अगली बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति पर कोरोना संक्रमण का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के खजाने में 15 करोड़ रुपए कम आएंगे, तो केंद्रीय कर और राज्य करों से होने वाली आय घटने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कोरोना संक्रमण का असर हर तरफ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी तरह प्रदेश सरकार के खजाने में 15 करोड़ रुपए कम आएंगे और केंद्रीय इसके साथ ही राज्य करों से होने वाली आय घटने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य को 2% अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है, भरपाई के लिए अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक 2,28,000 करोड़ से अधिक के ऋण का अनुमान लगाया जा रहा है। और वैभव जी का रुख करेंगे। वैभव जी, कोरोना संक्रमण काल में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है या ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के ऊपर भी कोरोना की मार पड़ी है, आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है और यही कुछ हाल मध्य प्रदेश का इस वक्त नजर आ रहा है। जया, कोरोना काल के चलते सरकारों के साथ ही चाहे निजी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सरकारी सेक्टर हो, हर कहीं पर आर्थिक जो परेशानियां हैं वो ज्यादा बड़ी है। मध्यप्रदेश भी इससे छूटा नहीं रहा है। मध्यप्रदेश को केंद्रीय कर और राज्य के करों से करीब 61,000 करोड़ रुपए की आय होनी थी, लेकिन 61,000 करोड़ के स्थान पर केवल 46,000 करोड़ रुपए ही मध्यप्रदेश के सरकारी खजाने में जमा हुए, तो 15,815 करोड़ रुपए का जो आर्थिक नुकसान है वो राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2% अतिरिक्त ऋण जो लेने की अनुमति दे दी है, जो कि जीडीपी पर ऋण लिया जाता है, तो कोरोना काल में सरकारों ने नियमों को शिथिल करते हुए सरकार राज्य सरकारों को अनुमति दी है कि वो अपनी जीडीपी से 2% अतिरिक्त ऋण ले सकता है। हालांकि इसके साथ ही मध्यप्रदेश को जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो नुकसान है मध्यप्रदेश का, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर्ज है, वो 2,28,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्यप्रदेश पर हो जाएगा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक। तो मध्यप्रदेश की वित्तीय हालत वैसे भी खराब है, कोरोना का संक्रमण फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, प्रतिदिन कोरोना के 200 से 250 मरीज भोपाल में मिल रहे हैं, वहीं पूरे मध्यप्रदेश की हालत भी सबसे ज्यादा खराब होती जा रही है। प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, 1,00,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सरकार की जो प्राथमिकता है वो कोरोना के संक्रमण से निपटना है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं सरकार को लगातार नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करने की कोशिश सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर की जा सकती है। बिल्कुल, तो यानी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आम जनता पर, प्रदेश की जनता पर भी भार पड़ सकता है और पेट्रोल डीजल जैसी जो सुविधाएं हैं उनमें टैक्स बढ़ाने की जो कोशिश है टैक्स सरकार बढ़ा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।